Hi guys, I am back again with another video. This video is actually an informative video जिसके अंदर आज हम कोई टैरो सेशन नहीं करने वाले. मेरे प्रीवियस सेशन में इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे थैंक यू सो मच. आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई नो आई वॉज नॉट एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन बिफोर, बट एक दो दिन में जैसे ही वेन एवर आई गेट द टाइम नेक्स्ट आई मेक दैट वीडियो और आई गो लाइव अगेन. आज इस वीडियो में कोई क्वेश्चन मैं आंसर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आज ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. किस चीज़ पे है वो बता देती हूँ. जब मैंने आज सेशन किया टैरो सेशन, तो उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन निकल के आई कि इवन इन माई प्रीवियस सेशंस मैं जो भी पर्सनल रीडिंग्स कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, देर इज ओनली अ सिंगल थिंग विच इज कमिंग अप एवरी अदर टाइम कि हम लोग बहुत नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं. हमें घर में अच्छा नहीं लगता या हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. हमें पता नहीं लगता है कि क्यों हमारा कहीं मन नहीं लगता. हमें बहुत जल्दी बीमारियां पकड़ जाती हैं. घर में बहुत जल्दी हमारे झगड़े होते हैं. गाइज प्लीज़ प्लीज़, आज मैं कोई इस वीडियो में टैरो रीडिंग न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं करने वाली हूँ. सिर्फ इन्फॉर्मेशन वीडियो है. प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए. शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसे शेयर कीजिए. क्योंकि आज इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ रेमेडीज देने वाली हूँ, उपाय देने वाली हूँ. ये उपाय आपकी लाइफ में 90% बहुत इफेक्ट करने वाले हैं. तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए इन उपायों के लिए, जिसके लिए आपको किसी सेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है. आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. तो बात करते हैं नेगेटिविटी रिमूव करने की. आई एम अ साइकिक हीलर रीडर. मैं रेकी भी करती हूँ. आई मीन टू रेकी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स, एवरीथिंग. बात करते हैं नेगेटिविटी की कि नेगेटिविटी कैसे हटानी है. नेगेटिविटी किसी भी फॉर्म में आपकी लाइफ में आ सकती है. आपके घर में मेंबर्स हैं, बाहर जाते हैं, घर में वापस आते हैं, तो यू नेवर नो वो कहाँ से होकर आए हैं, कौन सी एनर्जी वो अपने साथ, अपने जूतों में, अपनी बॉडी में, किससे मिलके आए हैं, कैसे वो पर्सन होंगे जिनसे वो मिले होंगे, या कुछ भी उनकी लाइफ में चल रहा होगा, तो यू नेवर नो आपके घर में कहाँ से एनर्जी आ रही है. कई बार आपके थॉट्स में हो सकती है, जिसको हम डेविलिश फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है. या हो सकता है किसी की ईविल आई हो या किसी की नज़र हो और हमें समझ में ना आए हम करें क्या. वहाँ पे रेकी में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ होती है, दैट वी कॉल इज स्मजिंग. एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, स्मजिंग. स्मजिंग क्या होती है, जैसे हम अपने घर को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं. जब भी हम अपने घर को साफ़ करते हैं तो हमें बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है कि आज घर साफ हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है. तो ऐसे ही हमें अपने घर को स्पिरिचुअली क्लीन रखना है, एनर्जीज को हटाना है. एनर्जीज हटेंगी, जो नेगेटिविटी है वो हटेगी और साथ में पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी. इवन लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा हम दिवाली पे करते हैं हिंदुइज्म में, तो लक्ष्मी जी भी तभी आती हैं घर में जब सफाई होती है अच्छे से, गंध में तो वो भी नहीं आती. ऐसे ही जो एंजल्स होती हैं, भगवान होते हैं, परमात्मा है, वो आप तक क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हो. हर जगह नेगेटिविटी है, स्पेशली आप जहाँ रह रहे हो वहाँ नेगेटिविटी है. स्मजिंग बेसिकली क्या होती है, स्मजिंग होती है सेक्रेड हर्ब्स को बर्न करना. जैसे हम लोग कपूर जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, ऐसे ही रेकी में स्मजिंग होती है, जो एक सेरेमनी होती है. उस सेरेमनी को कैसे किया जाता है, हर्ब्स को जलाया जाता है और वो जो धुआं उठता है उस हर्ब्स के, वो आपके घर की नेगेटिविटी को बर्न करता है. जब वो बर्न होता है तो आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हो. स्पिरिचुअल एंजल्स, आप डिवाइन एंजल्स आपके इर्द गिर्द आना शुरू हो जाती हैं. आपकी बातें, आपके कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं और इससे आपकी घर से बीमारियां कटनी, कलेश कटने बहुत ईजी हो जाते हैं. अब आप स्मजिंग किसी भी स्टिक से कर सकते हो, जैसे रोजमेरी, लेमन ग्रास या किसी से भी, मतलब लैवेंडर की कोई भी सूखी पत्तियां, टहनियां आप काट के उसे, और उसे अगर आप बर्न करते हो तो उसके धुएं से घर में बहुत बेनिफिट होगा, सारी नेगेटिविटी जाएगी. अब बात आती है स्मजिंग स्टिक दिखती कैसे है. ये देखिए, ये स्मजिंग स्टिक है, ये कुछ नहीं है, ये जड़ी बूटी जो होती हैं, हर्ब्स होती हैं, उसकी टहनियां हैं और वो सूखी हुई हैं, ये एक बंडल में बंधी हुई हैं, इसे स्मजिंग स्टिक बोलते हैं. स्मजिंग स्टिक आपको ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएगी. आप डाल के देखिएगा उसमें ऑनलाइन कि मुझे स्मजिंग स्टिक चाहिए, और रेकी वाली जो होती है वो इस तरीके की स्मजिंग स्टिक को आपने यूज़ कैसे करना है. आपने इसे एक साइड से पकड़ना है, यहाँ से इसे बर्न करना है
और क्लॉक वाइज आपने इसके पूरे घर में एक बार घुमाना है डेली। जब आप इसे करते हैं, इससे जो धुआं उठेगा उससे आपकी नेगेटिव एनर्जीज बर्न होंगी घर के। सबसे बड़ी बात, स्मजिंग स्टिक जो ये हर्ब्स होती हैं, ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती हैं। आपके घर से वायरस, आपके घर से बैक्टीरिया, ये सारा ये बर्न करती हैं, और जितना ये बर्न होगा उतना आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। अब बात करते हैं कि मैम हमारे घर में ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता। अगर आप हीलिंग में हैं, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपके घर में पार्लर है या आप कोई ऑफिस है, आप इसे ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत है, जहाँ पे भी क्लाइंट फुटफॉल हो, जहाँ पे भी आपको लगता है लोगों को आना जाना बहुत है। हमें नहीं पता कौन इंसान कौन सी एनर्जी से बैठा है हमारे इर्द गिर्द। चलो आप काम नहीं भी करते हो, आप हाउसवाइफ हो, बट आपको लगता है आपके फैमिली मेंबर सब बाहर काम करने जाते हैं और आपको नहीं पता आपका बच्चा किससे मिलके आया है, किसकी क्या एनर्जी लेके आया है, जिसकी वजह से वो परेशान है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स एनर्जीज पे चल रहा है। अब आपने जब इस स्मज स्टिक से, आप स्मज स्टिक कोई भी ले सकते हो, रोजमेरी हो गया, लेमन ग्रास हो गया, कहीं से भी उसकी सूखे पत्ते लेने हैं, जब आप उसे जलाओगे आपको खुद फील हो जाएगा कुछ दिन में कि मेरे घर से कुछ निकल के चला गया। स्मज स्टिक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो इसके अंदर जो अरोमा होता है वो आपके माइंड को शांत करता है। स्मजिंग में जैसे कुछ घरों में क्या होता है, डिप्रेशन के आसार बहुत देखे गए हैं मेंबर्स में, अननेसेसरी कंफ्यूजन, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, लोगों को आपस में ही भिट मतलब लड़ाई करने की आदत होती है, रात को सोते हुए डरावने सपने आते हैं, तो क्या है, वो नेगेटिविटीज ने घेरा हुआ है सबको, कि आपका घर है, ऑफिस है, वो सारा नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। गाइज अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, इन्फॉर्मेशन ले सकें और अपनी लाइफ में से नेगेटिविटीज हटा सकें। साथ में अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि आप जब स्मजिंग करोगे तो आपको हर तरीके के नेगेटिव इंसान से भी बहुत छुटकारा मिलेगा लाइफ में। ये स्मजिंग स्टिक है, मैं स्पेलिंग एक बार बोल देती हूँ, SMUDGING, स्मजिंग स्टिक, स्मज स्टिक भी बोलते हैं। आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाइएगा, कहीं से भी मंगवा लीजिएगा, और इसका जब आप बर्न करेंगे घर में तो बहुत सारी चीज़ों से आपको निहायत मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में स्मजिंग का ये इंट्रोडक्शन था। मैं आगे की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टैरो सेशंस में कोई ना कोई रेमेडीज आपको ज़रूर देती रहूँगी साथ साथ। तो स्टे ट्यून्ड और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। मैं खुद एक हीलर हूँ, मेरे पास बहुत तरीके के क्लाइंट्स आते हैं, इवन मैं टेलीफोनिकली भी या ऑनलाइन भी सेशंस करती हूँ, तो मैं लोगों से इंटरेक्शन में हूँ स्पिरिचुअली, टेलीपैथिकली। तो वहां पे क्या होता है, किसकी नेगेटिव एनर्जी मैं कहाँ ग्रास्प कर रही हूँ, कहाँ नहीं कर रही, बट स्टिल आई एम एबल टू कम आउट ऑफ इट। क्यों? क्योंकि मैं अपने ऑरा को क्लीन रखती हूँ, अपनी एनर्जीज को क्लीन रखती हूँ साथ साथ। तो आप कोई भी इस तरीके का काम कर रहे हो, आप मेडिटेशन में हो, योगा कराते हो, एक्सरसाइज कराते हो, अगर आप मेडिटेशन में हो, आप स्पिरिचुअली आगे बढ़े हुए हो, तो अगर आपके घर में स्मजिंग डेली होने लग जाएगी तो आप क्या, आप जब भी ध्यान लगाओगे आपका ध्यान जल्दी लगेगा, आपके कनेक्शंस और अच्छे हो जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं ओवर करते हैं, एंड थैंक यू सो मच टू स्टे ट्यून्ड विद मी। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द चैनल, एंड आई विल कम अगेन विद अनदर वीडियो वेरी सून। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड नाइट।